नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के ड्रोन MQ-9 और तुर्की के ड्रोन यानी कि एकेंसी ड्रोन के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि किस देश का ड्रोन किस ड्रोन पर भारी पड़ा है या फिर किस ड्रोन में ज़्यादा खूबियाँ पाई गई हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहां पर सुपर पावर कहे जाने वाली अमेरिका के MQ-9 के बारे में, दोस्तों यह एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। अगर वहीं मैं बात करूं दोस्तों बायरेक्टर एकेंसी की, तो दोस्तों एकेंसी भी एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। बात करें दोस्तों निर्माण की, तो दोस्तों MQ-9 अमेरिका में ही बनाया गया है। वहीं बात करें अगर एकेंसी की, तो दोस्तों एकेंसी को की देश में ही बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन ड्रोनों को बनाने वाली कंपनी के विषय में। तो मैं अगर बात करूं दोस्तों MQ-9 की, दोस्तों MQ-9 को जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा निर्माण किया गया है। अगर वहीं बात करें दोस्तों तुर्की के एकेंसी ड्रोन को बायकर कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है। जहां पर दोस्तों अमेरिका का ड्रोन अमेरिका यानी MQ-9 अमेरिका के पास 2001 से ही मौजूद है। वहीं मैं बात करूं अगर तुर्की के एकेंसी ड्रोन की, तो दोस्तों तुर्की का एकेंसी ड्रोन 2019 से ही तुर्की के पास मौजूद बताया जाता है। बात करें दोस्तों किसके पास कितने ड्रोन मौजूद हैं, तो दोस्तों जहां पर अमेरिका के ड्रोन यानी कि दोस्तों MQ-9 अमेरिका के पास 200 से ज़्यादा बताए जाते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं एकेंसी ड्रोन की, तो दोस्तों तुर्की के पास 4 से भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों दोनों ड्रोनों के क्रू मेंबर की, तो दोस्तों जहां पर अमेरिका के ड्रोन में क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है, वहीं मैं बात करूं अगर तुर्की के ड्रोन की, तो दोस्तों तुर्की के एकेंसी ड्रोन में 3 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों यहां पर बात करें दोनों ड्रोनों की लंबाई के विषय में, जहां पर दोस्तों अमेरिका के ड्रोन की लंबाई 11 मीटर बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर एकेंसी ड्रोन की यानी कि जो तुर्की द्वारा निर्माण है उसकी लंबाई के विषय में, तो तुर्की के एकेंसी ड्रोन की लंबाई 0.5 मीटर बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ड्रोनों के विंग स्पिन के विषय में, दोस्तों जहां पर MQ-9 की विंग स्पिन 20 मीटर बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं अगर तुर्की के एकेंसी ड्रोन की, तो दोस्तों उसकी भी विंग स्पिन 20 मीटर बताई गई, यानी कि दोस्तों दोनों के विंग स्पिन सेम है। बात करें जहां अगर हाइट की, तो दोस्तों जहां पर अमेरिका के MQ-9 की हाइट 0.81 मीटर बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं अगर तुर्की के एकेंसी ड्रोन की, तो दोस्तों उसकी हाइट 4.1 मीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ड्रोनों के टेक ऑफ वेट के विषय में, तो दोस्तों अमेरिका के MQ-9 का टेक ऑफ वेट 4760 किलोग्राम तक बताया गया है। वहीं मैं बात करूं अगर तुर्की के एकेंसी ड्रोन की, तो दोस्तों उसका टेक ऑफ वेट 5500 किलोग्राम तक बताया गया है, यानी कि तुर्की का टेक ऑफ वेट अमेरिका के MQ-9 से ज्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ड्रोनों की स्पीड के विषय में, तो दोस्तों जहां पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की स्पीड 482 किलोमीटर प्रति आवर बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के एकेंसी ड्रोन की स्पीड के विषय में, तो दोस्तों उसकी स्पीड 361 किलोमीटर प्रति आवर बताई जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ड्रोनों की रेंज के विषय में, तो दोस्तों जहां पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की रेंज 1900 किलोमीटर है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के एकेंसी ड्रोन की रेंज के विषय में, तो दोस्तों इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं सर्विस सेलिंग की, तो दोस्तों जहां पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की सर्विस सेलिंग 15420 मीटर बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के एकेंसी ड्रोन की सर्विस सेलिंग 18192 मीटर तक बताई जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं एंडोरेंस क्षमता के विषय में, तो दोस्तों जहां पर MQ-9 27 आवर तक अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम बताया गया, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के एकेंसी ड्रोन की, तो दोस्तों उसकी एंडोरेंस क्षमता 24 आवर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ड्रोनों को पावर देने वाले इंजन के विषय में, तो दोस्तों जहां पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन में 1:2 हनीवेल EPE-331 टर्बोप्रोप इंजन का प्रयोग किया गया है, और दोस्तों इसके साथ साथ डिजिटल इलेक्ट्रिक इंजन का प्रयोग किया गया है। अगर वहीं पर बात करूं दोस्तों तुर्की के ड्रोन में लगने वाले इंजन के विषय में, तो दोस्तों तुर्की के एकेंसी ड्रोन में 2:1 प्रोग्रेस मोटर स्विच 8450T टर्बोप्रोप इंजन का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ड्रोन आर्मामेंट्स के विषय में, तो दोस्तों जहां पर अमेरिका के MQ-9 ने साथ 7 हार्ड पॉइंट के साथ 1000 किलोग्राम तक के वेपन को ले जाने में सक्षम है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के एकेंसी ड्रोन की, तो दोस्तों 8 हार्ड पॉइंट के साथ 1350 किलोग्राम तक के वेपन को ले जाने में सक्षम बताया गया है। हालांकि दोस्तों दोनों के कंपेयर से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस देश का ड्रोन किस देश पर भारी है, और दोस्तों देखा यह भी गया है कि कहीं तक तुर्की का ड्रोन अमेरिका के ड्रोन से ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुआ है। हालांकि दोस्तों इस पर आपका क्या विपॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चलते चलते अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय।